इमरान खान का पैगाम आपको लॉयर्स ने भी बता दिया है, और जो उनका वाज़ पैगाम ये है कि ये जो तरामीम की जा रही हैं असेंबली के अंदर, जो ये 2/3 मेजॉरिटी जिसके लिए ये जमा कर रहे हैं लोग, वो इसलिए हैं कि गैंग ऑफ थ्री को एक्सटेंशन देने के लिए। गैंग ऑफ थ्री में दो लोग जो शामिल है वो एक हैं काजी फ़ायज़ ईसा और एक हैं राजा सिकंदर सुल्तान। ये वो कह रहे हैं कि ये एक शैतानी तरामीम के तहत जो आपका आइन है उसको मुअत्तल किया जा रहा है। आप फिर से सुन लें, शैतानी तरामीम के तहत आपके आइन को मुअत्तल किया जा रहा है। और ये किस लिए किया जा रहा है, उन्होंने तीन वजूहात इसकी बताई हैं। एक ये उन्होंने वजह बताई है कि जो 9 मई के जिसने उन्हें आग लगाई थी उनको तहफ़ देने के लिए। दूसरी वजह है कि जो 8 फरवरी को जिन्होंने वोट चोरी किए थे उनको तहफ़ देने के लिए। और तीसरी वजह तो आप सबको पता ही है, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने कहा ये तीन वजूहात हैं जिसके तहत ये एक्सटेंशंस दी जा रही हैं, जिसके तहत आपका आइन को ख़त्म किया जा रहा है, और जजेस की भी तादाद बढ़ाई जा रही है। और वो जजेस की तादाद आप ये सोच लें किसके लिए बढ़ाई जा रही है, ताकि जो सारे चोर, चाहे वोट चोर, चाहे आपके पाकिस्तान की लॉन्ड्री, जो सारे जो पैसों की चोरी, जो पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है उनको तहफ़ देने के लिए। और आपको पता है कि लोअर कोर्ट्स में जहाँ पे जजेस की ज़रूरत है, आज किसी ने बात की इस आइन के अंदर जो तरामीम कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स के अंदर बढ़ाए जाएं, क्योंकि जब लोअर कोर्ट्स के अंदर जजेस बढ़ाए जाएंगे उसमें किसको फ़ायदा होना था, अवाम को। किसी को अवाम की फ़िक्र है, हमारे ये जो इस वक्त 17 सीटों की जो नेशनल असम्बली बैठी है, इन्होंने उनकी फ़िक्र की है कि ये लोग साल हर साल कोर्ट्स के थके लगाते हैं, उनके केसेस का फैसला नहीं होता, वो उनके जो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो कर्ज़ों पे आ जाते हैं। किस लिए, क्योंकि हमारे पास जजेस ही नहीं है कि इनके केसेस सुन सकें लोअर कोर्ट्स में। लेकिन कितनी जल्दी में और बगैर किसी एक एक दिन के अंदर फैसला हो रहा है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दिए जाएँ। तो ये आपको सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी साजिश हो रही है। और इमरान खान चाहते हैं कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप इस पर एहतजाज करें, आपका आइनी हक है कि आप पुरमन एहतजाज कर सकते हैं, और आपका ये हक कोई भी आपसे नहीं ले सकता। ये आप किसी से आपको डरना नहीं है, ये आप कोई इंतशार नहीं फैलाने निकल रहे। हम जब फैमिलीज़ निकलती हैं, हमारे बच्चे साथ निकलते हैं, ख़वातीन निकलती हैं, क्या हम अपने बच्चों को लेके निकलेंगे अगर आपका ख्याल हो कि हमने यहाँ कोई इंतशार फैलाना है, हम कोई दहशतगर्द हैं, हम अपना हक मांगना, हमारा हक है कि हम अपना हक मांगें। तो आपने जो पहला हमारा एहतजाज, क्योंकि इन्होंने इजाज़त नहीं देनी, क्योंकि इन्होंने NOC नहीं देना, हम सारे शामिल होंगे अपने आज़ादी के लिए लियाकत बाग। और ये हफ्ते के रोज़ है, ये हफ्ते के रोज़ 28 तारीख को हम लियाकत बाग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है NOC नहीं मिलना। अगर NOC नहीं मिलना, हम पुरमन एहतजाज के लिए जाएंगे। और लॉयर से भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप जुडिशरी के लिए, अब वक्त आ गया है कि जैसे आप 2007 में आप निकले थे, मुझे अभी तक याद है कि 2007 में हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि लॉयर्स ने कॉल दी थी। हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे शेलिंग हो गई, टियर गैस शेलिंग हुई, और वहाँ पे हम साथ मौजूद थे लॉयर्स के साथ, लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी जुडिशरी की आज़ादी के लिए उस वक़्त लॉयर्स ने दी थी। अब हम लॉयर से उम्मीद रखते हैं कि आप हमें अभी भी लीडरशिप देंगे, आप जुडिशरी के तहफ़ के लिए, क्योंकि जुडिशरी का तहफ़ होगा तो हमें भी इंसाफ मिलेगा। तो इंशाल्लाह 28 को लियाकत बाग, मेहरबानी।